Willie Nelson once said, "Count your blessings instead of your problems and your whole life will turn around." And it indeed changed my entire life. ये वीडियो होने वाला है कृतज्ञता के बारे में, gratitude के बारे में, कि gratitude practice करने से मैंने कैसे अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को ध्यान से देखें। कृतज्ञता है क्या? कृतज्ञता वो गुण है जो आपके जीवन को सहज और सरल बना देता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड। व्हेन एवर यू आर इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ थैंकफुलनेस विद इन योर सेल्फ। एंड आपको अंदर से ही एक मैसेज आता है कि बॉस, मेरे लाइफ में अभी मेरे पास जो कुछ भी है काफ़ी है एंड मोर देन इनफ है। तो ये कहानी है 2020 की। एक महामारी लग गई मुझे ये समझाने के लिए कि लाइफ कितनी ज़्यादा प्रेशियस है। इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई एवरी थिंग कैन चेंज। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ छुपी होती हैं, ये सिखाया मुझे पैंडमिक ने। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी कंप्लेन करने में निकाल दी। मैं छोटी हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, मेरे पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे वो करना था, मुझे ये करना था, और पता नहीं क्या क्या। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, इतना ज़्यादा कंप्लेन करने से मैं अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रही हूँ, मैं खुद ही सबसे ज़्यादा अनहैप्पी भी हूँ। इंसान कभी कभार कंप्लेन करे तो समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें हर चीज़ अच्छी लगे, वो रियलिस्टिक ही नहीं है। पर मेरे लिए कंप्लेनिंग वॉज लाइक अ डेली हैबिट एंड आई न्यू दैट आई हैव टू स्टॉप इट। इफ आई वॉन्ट टू बी एट पीस, आई विल हैव टू स्टॉप दिस नो मैटर व्हाट। और ग्रैटिट्यूड ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। जब आप एक चीज़ रियलाइज़ कर लेते हो कि आपको लाइफ में ये चीज़ सीखनी है या ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, यूनिवर्स स्टार्ट्स टीचिंग यू लेसन्स। एंड धीरे 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 करके ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे मेरे लाइफ में दैट दे मेड मी रियलाइज़ हाउ बैडली आई नीड टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माई लाइफ। तो वो जो इंसिडेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप लोग को पता है दैट द विंटर्स आर सो ब्रूटल। तो एक बार मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग एक डोनेशन सेंटर जाने वाले थे कपड़े डोनेट करने के लिए। एंड उस डोनेशन सेंटर के बिल्कुल बाहर एक होमलेस बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि उन्हें कुछ कपड़े लगेंगे क्या, एंड उनका रिएक्शन मुझे अभी भी याद है। With a smile on his face, he told us he has everything he needs. Oh my God, ये सुनते ही I was so speechless. मैं उस time भी complain करती थी कहीं ना कहीं कि इतने ज़्यादा ठंड में मुझे बाहर नहीं जाना या मुझे grocery करने नहीं जानी, मुझे तकलीफ़ होती है काम पे जाने के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही होती है। जबकि अंकित, you know, he well equipped me with everything. ठीक है, एक अच्छी विंटर जैकेट थी मेरे पास, एक विंड जैकेट थी, स्नो बूट्स थे, कैप था, ईयर पफ्स था, सब कुछ था। एंड उसके बावजूद मैं कंप्लेन करती थी, पर ये वाले अंकल ने इतने अच्छे से मुझे अनजाने में इतना बड़ा लेसन सिखा दिया। थैंक यू सो मच। हम सबको भगवान ने एक ना एक चीज़ ज़रूर ऐसी दी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकें और जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं दैट वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ़, वी गो थ्रू इंटरनल बैटल्स एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। उस टाइम नहीं समझ में आती ग्रैटिट्यूड जैसी बातें, एंड यू रियली नीड टू वैलिडेट ऑल योर फीलिंग्स। लेकिन वंस यू हैव हील्ड एंड यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, यू विल रियलाइज कि ग्रैटिट्यूड हमें सिर्फ फ़ायदा ही कर सकता है।
तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है अपने लिए, टू प्रैक्टिस मोर ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. आपको एक जार लेना है एंड रोज़ एक चिट में आपको ये चीज़ लिखनी है कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो, एंड रोज़ उस चिट को उस जार में डालना है. एंड एक महीने के बाद वो सारी चिट्स आपको पढ़नी है. यू योर सेल्फ विल रियलाइज़ कि आपको अंदर से कितनी ज़्यादा खुशी होगी वो सारी चीज़ें पढ़ के, एंड यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर थैंकफुल टुवर्ड्स लाइफ एंड यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ इवन मोर. And you yourself will see that life is giving you so many reasons to stay happy. And always remember, God will always give you one thing which you will feel grateful for. That is all for today. Har Har Mahadev.